question is to Dr. Amit. So I would like to know, since you have been working in the policy advisory as well as the education system working together, what is the change that you see before RTI and right after RTI? So if you compare and contrast the system before RTI and right after RTI, what is the changes that you notice in the system? Thank you very much, Nikita. Am I audible properly? Yes, sir, perfectly. ठीक है और हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके मैं आपको बताऊंगा. उससे पहले अभी तक जितनी बातें हुई ना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होगा, एकदम काउंटर इंट्यूटिव अभी तक जितनी बात बोली गई है. तो आपके क्वेश्चन पे आने से पहले, इनफैक्ट वो क्वेश्चन का आंसर उसमें कवर्ड होगा, मैं क्या करता हूँ, एक जब अभी इन्होंने बोला ना कि हम लोग लेट हो रहे हैं, लेट तो नहीं हो रहे थे, हर चीज का एक टाइम होता है, लेकिन तब तक मैंने क्या किया, जितनी बातें हो रही थी उस पे एक छोटा सा पीपीटी बनाने की कोशिश की. तो बहुत सारी इसमें कमियां हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी आप सबकी बातें सुनते सुनते ही जो मेरे पास उपलब्ध नॉलेज था उसी पे बनाया है. और बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपको थोड़ा 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 सा आपका इससे आंसर मिल जाएगा. एंड इससे पहले कि मैं बोलूं, इट इज माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक इज मोर एज एन वेरी हम्बल सजेशन, इज नॉट अ क्रिटिक. वी आर नॉट हियर टू काइंड ऑफ क्रिटिक एंड आर्ग्यू विथ ईच अदर, बल्कि अपनी बातों को रखें, चर्चा करें, जिससे कि हम सभी को बेनिफिट हो और उससे ज्यादा एजुकेशन, हमारे शिक्षा सिस्टम को बेनिफिट हो, ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने. जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, और खासकर राइट टू एजुकेशन एक्सेट्रा, दो तीन की पॉइंट्स हैं जो बैकग्राउंड में पहले अपने आपको समझ के रखना चाहिए. अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है तो इट डजंट मैटर कि आप आरटीई की बात कर रहे हो, कि एनईपी की बात कर रहे हो, कि करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, या कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर अगर आपको वो बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट का नहीं समझ है. और उसमें बस तीन चार क्विक पॉइंटर है कि नंबर वन, ब्रॉडली एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, यस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फ्रेमवर्क में, यस लेटर ऑन इट वॉज शिफ्टेड टू कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन वो एक अलग बात है. अभी भी स्टेट इज द मेन अथॉरिटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल फिर कहाँ तक रह जाता है, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करने में, गाइडेंस प्रोवाइड करने में, फैसिलिटेट करने में, नॉलेज बिल्डिंग करने में, वगैरह वगैरह, रिसर्च करने में, यू नो, बट मेजर पावर stays with the state government. ठीक है, state is the one which makes policy. और अभी जब भी हम एक education system की बात करने लगते हैं तो लोगों को लगता है एक uniform education system है, नहीं, इंडिया में लगभग 30 तरीके के बोर्ड हैं, क्योंकि हर state का अपना अलग बोर्ड है, अपना system है, उसमें थोड़ी आपको uniformity मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो अलग authority है. तो जो केरला और कर्नाटका में मॉडल हो रहा है, जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, वो जरूरी नहीं है कि यूपी और बिहार में भी हो रहा हो, राइट, या राजस्थान या हरियाणा में हो रहा हो. नेक्स्ट चीज हमें समझ लेना चाहिए कि जब भी हम गवर्नमेंट से कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ लॉ, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, दैट गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज अ वेरी वीक कैपेसिटी. उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, सरकारों का भी एक लिमिटेशन होता है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, कास्ट के लिए, कास्ट के लिए कब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बोल दी, राइट, कास्ट के बेसिस पे या किसी भी चीज पे, बट डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं ना, बिकॉज सोसाइटी हैज नॉट एक्सेप्टेड. तो सोसाइटी को आप कैसे एम्पावर करोगे, अवेयर करोगे, एजुकेट करोगे, जब तक वो सारे फैक्टर, सारे स्टेक होल्डर साथ नहीं आएंगे ना, एक केवल लॉ पास कर देने से आपका कुछ खास बातें बनने वाली नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, ओके. नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि जब हम स्कूल की भी बात कर रहे हैं ना, तो स्कूल एक तरीके के नहीं है. इंडिया में कई तरीके के अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग स्टेट बॉडी है, इसीलिए हमारे यहाँ पे इट्स अ डिफरेंट मॉडल ऑफ एजुकेशन सिस्टम. मैं उसको गिनूंगा नहीं, बहुत लेट हो जाएगा, आई विल जस्ट रश थ्रू इट. हाँ, जैसे ही हम एक्ट की बात करते हैं ना, तो एक्ट की अभी हमारे पास जो योगेश प्रताप जी थे, उन्होंने उस कहानी की शुरुआत की तब से, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में बात होने लगी थी इंडिया में, और फिर 2002 में जो 86th अमेंडमेंट हुआ. मैं इस कहानी का एक लिंक जोड़ूंगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि यूएन ने डिक्लेयर किया था, इनफैक्ट वन ऑफ द पीपल आल्सो टॉक्ड अबाउट कि भाई हमारे यूएन डिक्लेरेशन के हिसाब से
we comply with the guidelines or not. So yes, तो एक्ट के बैकग्राउंड में तो कहूंगा कि सबसे पहले 2000 ईयर में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बना, जिसमें एक गोल रखा गया एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन टू एजुकेशन. सो यूनिवर्सल एक्सेस सबके पास होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने साइन किया था ईयर 2000 में, व्हेन दे केम बैक तो उनको अब कुछ करना था. सो 2000, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे सर ने भी बोला ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी, और उससे पहले भी जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब से ये बात हो रही थी कि बच्चों का राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होना चाहिए. और वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, कि अगर हमें डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, जिसमें इलेक्शन होना है, जिसमें लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, और वो अगर एजुकेटेड नहीं है तो हमारी डेमोक्रेसी कैसे सस्टेन करेगी. तो उस फ्रेम में बात हो रहा था कि भाई देन इट बिकम्स स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज एजुकेटेड. ठीक, तो बातें तो कब से हो रही थी, लेकिन उस समय भी एक ये भी हुआ था कि एजुकेशन को हम फंडामेंटल राइट में रखेंगे, लेकिन नहीं रखा कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी ने. क्यों नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने भी कहा कि अभी हम नए स्टेट बन रहे हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो करने को तो हम लिख देंगे लेकिन हम दे पाएंगे नहीं, तो ये बच्चों के साथ एक मजाक होगा, ये देश के साथ एक मजाक होगा, तो हमें नहीं करना चाहिए. खैर, एनीवेज, सो फाइनली जब मॉडर्न ये ईयर 2000 पोस्ट 2000 में जब आरटी एक्ट की बात शुरू हुई, तो पहले मैं तो कहानी की शुरुआत करूंगा 2000 ईयर में जब मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल था. गोल में इंडिया इज अ सिग्नेटरी, भारत ने साइन किया है, तो उन्हें वापस आके अपने देश में कुछ करना था. 86th अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में टू इंसर्ट आर्टिकल 21A, और जिसके तहत इसको फंडामेंटल राइट बनाए. अब नाउ सिंस इट हैड बिकम फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट हैड टू डू समथिंग टू मेक श्योर दैट कि भाई इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कर रहे हैं. इसका फर्स्ट ड्राफ्ट 2005 में आया था. 2005 में बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, उस समय ये पार्लियामेंट में नहीं प्रेजेंट किया जा सका. फाइनली 2009 में प्रेजेंट किया गया, उस समय भी इसमें हार्डली डिस्कशन हुआ था, कुल 50-60 मेंबर थे उस समय जब ये पास हुआ था, और ये मतलब शोरगुल के बीच में पास हो गया था, इस पर कोई कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हुआ था. 2010 से नोटिफाइड है, राइट. अब इसमें जब भी इसका ऑब्जेक्टिव, ये सब तो मैंने बता दिया, मेजर प्रोविजंस क्या रहे हैं. मेजर प्रोविजन ये रहा है कि सबको कंपलसरी भेजना चाहिए, और क्योंकि कंपलसरी स्टेट कर रहा है तो चार्ज आप कैसे कर सकते हो, तो फ्री भी रहना चाहिए, तभी 100% हम अचीव करेंगे. अनदर मेजर प्रोविजन, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, बहुत लोगों को तो आरटी का मतलब पूरा आरटी सेक्शन पूरा एक्ट से मतलब ही नहीं है, मतलब है केवल एक सेक्शन से, जो है कि सेक्शन 12, और वो भी 12(1)(c), जिसमें कि 25% रिजर्वेशन के बात आते हैं. तो आम जनता से अगर आरटी पूछो तो उनके लिए बस यही मतलब है कि वो ही वो वाला कानून जिससे 25% हमें प्राइवेट स्कूलों में रिजर्वेशन मिला है. खैर, अनदर मेजर प्रोविजन वाज नो डिटेंशन पॉलिसी. नेक्स्ट मेजर प्रोविजन वाज कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, टॉयलेट, यू नो, ड्रिंकिंग वाटर एंड एवरीथिंग. टीचिंग पे फोकस था, उसके लिए क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंसी, पीटीआर, उसी के बाद से टेट शुरू हुआ वगैरह वगैरह. ये पीपल टीचर रेशियो डिफाइन किया कि उस हिसाब से टीचर का और रिक्रूटमेंट होना चाहिए. सो हियर कमिंग टू नाउ योर आंसर टू योर क्वेश्चन पार्ट, कि भैया तो इस पे इम्पैक्ट क्या हुआ और क्या चेंजेस हम सिंस 2009 देख रहे हैं. यहाँ पे जब चेंजेस भी हम देख रहे हैं तो उसको थोड़ा 2-3 भागों में बांट देना चाहिए. एक चेंज जो कि पोस्ट 2010 से नोटिफाई हुआ तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होना शुरू हो जाता है, हाँ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लीगल आपको एम्पावरमेंट हो गया तो कोर्ट वोट में आप जा सकते हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब नहीं शुरू हो गया. इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 साल का उन्होंने रखा था कि भाई इतने ज्यादा सारे प्रोविजन है और स्टेट्स को मेनली करते हैं, तो 3 साल बाद से 2013 से हम एम करते हैं कि इसके प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे. उससे पहले हम मेनली It's a time given to do the adjustment and create the preparation part of it. Anyways, so impact जो मैं देखता हूँ वो क्या हुआ? Free seats in private schools जो था, immediately private schools गए courts में challenge होने लगे, और this is one section which is highly litigated. सबसे ज्यादा court cases इस section पे हुए हैं, और private schools saw it as an encroachment over their ऑटोनॉमी, कि हाँ ये स्वायत्तता हमारी है, प्राइवेट स्कूल हमारा है, हम अपने हिसाब से एडमिशन कर लेना है, नहीं लेना है, किसको देना है, हम डिसाइड करेंगे, आप कैसे हमें फोर्स कर सकते हो, एंड दैट टू फोर्स बाय मैंडेटिंग एन एक्ट.
तो इस पे बहुत हुआ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो फाइनली स्कूल सेट टू। तो प्राइवेट स्कूल्स जितने भी आज भी के टाइम पे भी एडमिशन ले रहे हैं ना, उसमें से कुछ परसेंटेज हैं जो हैप्पीली ले रहे हैं, और वो भी क्यों ले रहे हैं वो मैं अलग से कभी बता सकता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स अनहैप्पीली ले रहे हैं, है ना। तो वो कोई ना कोई उसमें तरीका निकालते रहते हैं कि भाई इससे कैसे हमें बचना है, या कम से कम ये एडमिशन हमारे पास आए। रीजन क्या है कम कभी और मैं बताऊंगा। मेनली नो डिटेंशन पॉलिसी, इम्पैक्ट क्या हुआ, पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लर्निंग आउटकम आप देखिए गिरता जा रहा है। टीचिंग क्वालिफिकेशंस में जैसे मैंने बताया कि 2013 का टाइमलाइन दिया था, उसके बाद दिस इज वन सेक्शन विच हैज गॉट एग्जेम्पशंस एक्सटेंशन पर एक्सटेंशंस, तो ये वाले सेक्शन पे काफी एक्सटेंशन मिला है, जो कि इसके बाद आया था कि जो जो बीएड क्वालिफाइड नहीं है वो लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या जो प्रोविजनल एडजस्टमेंट किए जाएंगे वगैरह, वो सबको कुछ फॉलो नहीं हुआ है, तो गड़बड़ यहाँ पे है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात हुई थी कि क्लासरूम बनाएंगे, यू नो अच्छा दिखने में लगना चाहिए, फील गुड होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एमएचआरडी का रिपोर्ट खुद 2015-16 में उन्होंने बोला था कि 8% स्कूल्स ओनली कंप्लाई विद द आरटीई इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स, एंड इनफैक्ट दैट लीड टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच की भी कमी आ जाती है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे आप जाओ इंस्पेक्शन के लिए, मान लीजिए डीओ से टीम जाता है तो देखते हैं कि भाई यहाँ पे लेबोरेटरी नहीं है, फंक्शनल टॉयलेट नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, या टीचर नहीं प्रेजेंट है, तो नॉर्मली उनका अप्रोच क्या होता है कि इट्स अ गवर्नमेंट स्कूल, वी आर मैंडेटेड टू डू इट, तो ठीक है भाई नहीं है तो हम और ऐड करेंगे, अच्छा करेंगे। और सेम चीज अगर किसी प्राइवेट स्कूल में इंस्पेक्शन पे जाते हो और आपको दिखता है कि ये सब कंप्लायंस नहीं होता है, नॉर्मली योर अप्रोच हैपेंस टू बी कि ये लोग तो पैसे बनाने वाले हैं, फी तो हफ्ती चार्ज कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, इनको बंद करो। सो वो बाय डिफॉल्ट अप्रोच में वो डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। एनीवेज, एंड नेक्स्ट इज द मेजर प्रोविजन वाज दैट फ्री एंड कंपल्सरी। अभी यहाँ पे एक में इसके की वजह से मैं क्या कहूंगा कि सो फार योर पेरेंट वॉज द गार्जियन, सो जब कंपल्सरी की भी बात हुई थी तो आप सोच सकते हो कि क्या इसके लिए प्रोविजन किए गए, हाउ डू वुड यू मेक कंपल्सरी। सो लेट्स से कि कोई पेरेंट है वो कहता है कि मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा, क्या करोगे आप, बच्चे को पेरेंट्स को जेल में डालोगे, बच्चे को आप उठा के लेके जाओगे। एक्चुअली दिस वाज पार्ट ऑफ द 2005 प्रोविजन, जिसको कि बाद में फिर इन्होंने कपिल सिब्बल जिस समय एचआरडी मिनिस्टर थे उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया कि अच्छा इस पे इट्स अ कंपल्शन ऑन स्टेट एंड नॉट ऑन अ पेरेंट्स, तो इस तरीके से उन्होंने उस बात को खैर घुमा दिया। सो अगर स्टेट भी हो गया तो फिर देन यू आर नो मोर द गार्जियन ऑफ द किड, मेरे बच्चे का मैं गार्जियन नहीं हूं, द स्टेट इज द गार्जियन। सो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जितनी बातें अभी आपको बताई, हाँ कुछ कुछ अचीवमेंट्स में अभी तक जो बातें हुई हैं, एंड आई थिंक एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग एंड गोइंग टू टॉक अबाउट इज विल साउंड मोर ऑफ अ काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि जितनी भी खूबसूरत है, मैं आरटी के बारे में मेरा पर्सनल नजरिया क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट को मैं कहता हूँ इज द पॉलिटिकल फ्रॉड कमिटेड टू द नेशन एंड द चिल्ड्रन बाय द गवर्नमेंट। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, इन माय पर्सनल ओपिनियन राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ पॉलिटिकल फ्रॉड कमिटेड टू द नेशन, और ये फ्रॉड उस समय की जो गवर्नमेंट थी यूपीए की मैं उन्हीं के सिर पे डालूंगा। खैर, सो आई एम नो मोर ट्राइंग टू बी पॉलिटिकल करेक्ट हियर, एंड दिस कैन इनसाइट मेनी डिबेट्स एंड आई एम हैप्पी टू टेक दोज ओवर। एनीवेज, हाँ तो शुरू में बात हुई थी, शायद योगेश जी ने कहा था कि बिटवीन 2009 टिल 2014 और 2019 कहीं भी इंक्रीज इन अपर प्राइमरी एनरोलमेंट बाय रफली 19% and 20%, और अपराजिता मैम ने भी बोला तो भाई ये तो फ्रॉड का हिस्सा है ना, ये तो दिखना ही था। क्यों? क्योंकि जो एनरोलमेंट था ना प्राइमरी स्कूल में, इवन बिफोर लेट मी, अगर किसी स्क्रीन पे मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, तो हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 2004-05 में ये नीचे 94.27% ऑलरेडी हमारा प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट था,
94.27 was already in 2004-05. 2004-05 में ही हमारा सॉरी 2004-05 में नहीं 2007 में. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो हम बता रहे हैं ना कि उसके बाद से एक्सेस बहुत बढ़ा है, एनरोलमेंट बढ़ा है, नो. एनरोलमेंट बढ़ना कब शुरू हो गया था? पोस्ट 1992. दो मेजर रीजन. एक मेजर रीजन कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ने लगी. तो यू नो अब लोग एजुकेटेड हैं. पहले क्या था, इकोनॉमिक कंपल्शन भी था ना कि भाई मैं खुद ही गरीब हूँ, खाने को नहीं है, मैं बच्चे को क्या भेजूं. तो जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ता गया, एजुकेशन का एंटरटेनमेंट बढ़ता गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉज सर्व शिक्षा अभियान, जो उससे पहले शुरू किया गया था. उसमें गोल रखा गया था टू की एक्सेस प्रोवाइड करना है. उसके थ्रू ऑलमोस्ट हर गांव में स्कूल खुल गए थे. सो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू ऑलरेडी बढ़ चुका था. सो जब 2009 में आप एक्ट ला रहे हैं और उसके बाद से आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं एनरोलमेंट बढ़ाने का, नो. द ट्रेंड वॉज पोस्ट 1991, एनरोलमेंट लेवल ऑलरेडी हैड गॉट स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड इट हैड टू इंक्रीज वेदर यू ब्रिंग एक्ट और नॉट. तो वो ऑलरेडी हो रहा था, तो फ्री में आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं. सेकेंड बात जो लोगों ने की कि हाँ अपर प्राइमरी में बढ़ा, तो अपर प्राइमरी में तो बढ़ना ही था ना. वाय? क्योंकि अभी तक क्या था, आपके प्राइमरी में बच्चे कम थे. अभी प्राइमरी में बच्चे जब आने लगे एक्स्ट्रा, और आपने नो डिटेंशन पॉलिसी कर दिया, तो पहले ड्रॉप आउट कहाँ होता था? आप फेल होने लगते थे, लर्निंग आउटकम जाने लगते थे, आप ड्रॉप आउट होने लगते थे. आठवीं तक तो आपने कह दिया कि नो डिटेंशन पॉलिसी, एंड देयरफॉर क्या होपन. और उसमें भी इवन तीन साल तक बच्चा आपको स्कूल में आता नहीं है, लेकिन एनरोल्ड है ना, आप उसका नाम रजिस्टर से हटा ही नहीं सकते. आप उसका नाम नहीं हटा सकते. तो वो तीन साल तक मिनिमम, वो अगर आपने एनरोलमेंट में नाम अपना दखल करा दिया, तो जहां तक मैं हूं, जोशी जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट वो नाम हर बार हर साल वो बढ़ता जाएगा, चाहे आप स्कूल में आओ या ना आओ, डजंट मैटर. सो एनी वे वट आई एम मेनली सेइंग इज कि स्कूल एनरोलमेंट जो बढ़ा, ये हम गलत क्रेडिट देते हैं. इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट से कोई रिलेशन नहीं है. अपर प्राइमरी में जो आपको इंक्रीज दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी, तो वो भी खराब है. दूसरा चीज इन सब चीजों में, ये जैसे मैंने न्यूज की क्लिपिंग लगाई है, दिस न्यूज इज फ्रॉम यूपी, 1.11 करोड़ घोष स्टूडेंट, सो दीज आर द फेक एनरोलमेंट. तो मैं उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, वो सब करप्शन के अड्डे बन रहे हैं. Next is Right to Education Act. Actually, in some sense, then my interpretation has also become Right to Employment Act, and specifically for teachers, I'm sorry to say. देखिए, मैं कहीं पे undermine नहीं करना चाह रहा हूँ, but this is how I see the picture, and it will not be right if I don't tell you the picture I see. Anyways, हाँ, so teacher employment आप देखिए, अगर आप data देते हैं, तो post 13-14, क्योंकि RTE Act ने mandate किया है. ये ग्राफ में नंबर ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट ज्यादा हुए हैं, टीचर रिक्रूटमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं. बट ये भी देखें कि हमारी टीचिंग की क्वालिटी भी खराब हुई है. बीएड पास, जो बीएड का पूरा कोर्स डिजाइन किया है हमने टीचिंग के लिए, वो जब टेट का परीक्षा लेते हैं, तो 95% बीएड क्वालिफाइड लोग फेल हो जाते हैं. तो ये किस टाइप का क्या सिस्टम हम कर रहे हैं. उसका और खराब हुआ है कि लर्निंग आउटकम जो राइट टू एजुकेशन के में लगा के अच्छा अभी हमें बढ़िया मिलेगा, इट हैज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइंड. लगभग 2014 के तो सर्वे में थे, लगभग 60% ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स कैन नॉट डू बेसिक लैंग्वेज एंड मैथ ऑफ क्लास 2. फिर से रिपीट कर दूं, 60% ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 कैन नॉट डू बेसिक मैथ्स एंड लैंग्वेज ऑफ क्लास 2. और उसमें भी देखेंगे कि अच्छा ये भी कि अच्छी ये खराब भी था, तो दिन पे दिन और हर साल दर साल खराब हुआ है. सो यहाँ पे देखेंगे कि अगर 2010 में एटलीस्ट ये 68% बच्चे कुछ कर लेते थे, तो 2018 में 43% ही कर रहे हैं. तो लगभग 20-25% पॉइंट और डिक्लाइन हो रहा है. तो जितना ज्यादा हम एक्ट बनाए हैं, लर्निंग आउटकम बच्चों का और ज्यादा खराब हुआ है. और केवल असर रिपोर्ट में भी नहीं, नैस रिपोर्ट में भी आता है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी किया है, वो भी आता है. नेक्स्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ बजट इम्प्लीकेशन, बजट में भी देखिए, पोस्ट 2013-14 जबकि रियल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, कॉन्स्टेंटली ग्राफ आपको ऊपर की तरफ दिखेगा.
तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भले वो दिखे ना दिखे, आपको एलोकेशन ऑफ मनी हो रहा है. ये सारे मनी एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं, एंड दैट इज वेयर आई सी इट्स बिकमिंग अ ह्यूज सोर्स ऑफ करप्शन. इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन खर्चा नहीं करना चाहता है, बिकॉज एवरीवन नोज कि वहीं पे सबसे ज्यादा कट बनता है कॉन्ट्रैक्ट के जॉब में. एनीवेज, राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज आल्सो एक्चुअली लेड टू, इंस्टेड ऑफ ओपनिंग मोर स्कूल्स, क्लोजर ऑफ मोर स्कूल्स. ये आप देखेंगे एक हेडलाइन मैंने लगाया है कि जिसमें उन्होंने कहना है कि लगभग 1 लाख छोटे स्कूल्स बंद हो गए, और प्राइवेट ही नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद किए गए हैं. इनफैक्ट राजस्थान से जोशी जी हैं, राजस्थान में भी वो बता पाएंगे कि स्कूल्स एक्चुअली क्लोज भी हुए हैं, एंड ह्यूज नंबर. तो वो एक्ट जो कि और ज्यादा शिक्षा देने आया, उल्टे स्कूलों को बंद कर दिया, वंस अगेन आरटी कंप्लायंस के नाम पे. नेक्स्ट चीज मैं जो आपको बोलूंगा, हाँ एक और चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये सारे जितने एक्ट आते हैं ना टू गिव विथ अ ग्लोरीफाइड पैकेजिंग, ये आपके ऊपर कुछ बर्डन भी डालते हैं, और एक इसकी यही बर्डन है जो कि एजुकेशन सेस भी आपसे लेना शुरू किया गया. तो व्हेन आई वेल इसके बारे में कभी और बात करेंगे, आई डोंट वांट टू टेक टू मच ऑफ टाइम, बहुत लेट हो रहा है. तो सेस से भी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रहा है पैसा, बट अनयूटिलाइज्ड मनी उनके पास बहुत पड़ा हुआ है. एनीवेज, सो अल्टीमेटली जो आपका चेंज का है, तो नंबर वन आई से द इम्पैक्ट ऑफ आरटीई इज all the parents, you are no more the guardian of the kid, the state is the guardian of the kid. Number two, uncertainty of right and obligation, ki bhai kiska right kya hai. Jaise agar private schoolon ke perspective se soche to theek hai, aapka bachcha hai uski, aur uske liye humne pura ye system banaya hai government education ka, to bhai wahan pe jaye na, wo aapne jo right diya uske responsibility usko provide karne ki meri kaise ho gayi, राइट? तो वो थोड़ा उसमें एक अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन क्रिएट करता है. विलिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स उसके बाद से, और एनिमोसिटी जो सबसे खराब इसका इंपैक्ट मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ. एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट जिसमें सारे स्टेक होल्डर को साथ में मिलके, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है कि कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, एनजीओस, ऑल ऑफ इट. और आरटी एक्ट के बाद क्या हुआ है, ये सारे स्टेक होल्डर गॉट डिवाइडेड एंड फाइटिंग विद ईच अदर. पेरेंट्स फाइटिंग विद स्कूल्स, स्कूल्स फाइटिंग विद टीचर्स, टीचर फाइटिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन फाइटिंग विद एनजीओस, ये सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं. दिस इज व्हाट आई सी, एंड अल्टीमेटली आई ऑल्सो सी दैट इट हैज लेड टू ह्यूज करप्शन. एनईपी पे अभी बात नहीं करते हैं, मैंने बहुत ज्यादा लंबा आपको आंसर दे दिया. थैंक यू. No problem, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, in light of whatever you have said, I have a follow-up question. If you could just take that and answer that briefly. 100%. आपके अब तक के इस पूरे impact assessment से what we have understood is, in your opinion, implementation successful नहीं रहा. So if you could highlight two policy measures जो लिया जा सकता है to at least ensure that we are moving ahead in the path of successful implementation. कहीं पे जाइए, कोई से भी पूछे, इनफैक्ट यू गाइज आर लॉ स्टूडेंट्स, नॉर्मली कहेगा कि हमारे यहाँ पॉलिसी तो बहुत अच्छा है, कानून तो बढ़िया बने हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है. अभी आप सोचो कि पिछले हफ्ते iPhone 12 लॉन्च हुआ, एंड प्रेजेंटेशन में वो लोग कह रहे हैं कि भाई you know, it has 14 bionic chip and this kind of screen size and this kind of camera and everything. There is only one problem that we don't know how it is going to function, operate. So, kya aap wo phone loge, kahoge ki isme sare picture hai, car isme, you know, safety gear hai, 8 gears laga diye hain, ye look hai, ye light hai, magar chalta hai, abhi humne test nahi kiya hai, ya chal payega wo mujhe malum nahi hai. So, what I'm saying is, whoever and whenever you are making policy, and I work in policy segment, you have to keep in mind the practical implications. Ki yaar ye implementable hai ki nahi hai. Agar implement kar hi nahi sakte to fir banaya hai kyun? Aur I mean aur uske naam pe fir jo fraudgiri hoti hai. Anyways, so I have very closely watched all of this corruption happening. So agar sahi mein maane mein agar implement karna hai, once again, let me come back to my
प्रीवियस स्टेटमेंट व्हेन आई सेड आरटीई एक्ट इज अ फ्रॉड. और ये कानून मैंने जितना भी पढ़ा है ना और जितनी बार पढ़ता हूँ, मुझे लगता है पहले मैं भी कोशिश करता था कि मैं कुछ सजेशन करूं कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या अमेंडमेंट करना है, और मैंने उस पर भी काम किया है. बट मोर एंड मोर आई डिड आई रियलाइज दिस एक्ट इज सो बैड, इसको द ओनली थिंग इज यू स्क्रैप इट. और यही एकमात्र इलाज है, क्योंकि इसको जितना आप यू नो मॉडिफाई भी करने कोशिश करेंगे दैट विल क्रिएट इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना खराब है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, निकाल दे. बट यहाँ पे मैं एक बात बड़ा क्लियर शब्द में बता दूं, जब भी मैं इन ये ऐसी बातें करता हूँ तो लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अच्छा अमित जी तो ये बच्चों के राइट टू एजुकेशन के ही खिलाफ है. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट चिल्ड्रंस फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन. आई एम अगेंस्ट द वे दिस एक्ट हैज बीन ड्राफ्टेड टू अचीव इट. बच्चों को वो राइट देने के लिए जो उस तरीके का एक्ट बनाया है उसके खिलाफ. तो नंबर वन तो मैं कहूंगा कि यार हटाओ इसको, कुछ इसमें नहीं होगा. बट वो मुझे भी मालूम है वो हटने वाला है नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए. कई चीजें ड्राफ्ट की हैं, बट एनईपी में उसको लिंक करता हूं कि दो तीन चीजें जो उसे समझ में आ सकती थी. नंबर वन, जहां पे कि मैंने बताया ना ये एनरोलमेंट वाला प्रॉब्लम, और अभी छोटे कम टाइम में कितना बातें बताऊं. नंबर ऑफ एक्चुअली एनरोलमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स हैज बीन डिक्लाइनिंग. तो बहुत सारे स्कूल्स इस वक्त ऐसे हैं, इनफैक्ट मेरे पास जो डेटा है दैट सेज रफली 40% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैव एनरोलमेंट बिलो 100, एंड बिलो 100 मतलब 1 to 100, और एवरेज निकालते हैं तो उसका 45 के रफली आता है. तो बहुत सारे हैं ऐसे भी स्कूल हैं जहां पे जीरो एनरोलमेंट है, राइट. तो ऐसे स्कूलों का कंसोलिडेशन हुआ है. तो मेन आपको देखना होगा कि ये ट्रेंड बन रहा है. अच्छा, स्कूल्स बंद हुए हैं, बच्चे एनरोलमेंट का गवर्नमेंट स्कूल में डेटा देखेंगे, बट ओवरऑल बढ़ रहा है. कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि इंक्रीज हुआ है प्राइवेट स्कूल एनरोलमेंट, इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ स्कूल्स, इंक्रीज हुआ है वहां पे लर्निंग आउटकम भी. एनीवेज, दैट मेक्स मी साउंड मोर लाइक एन एडवोकेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, बट मेनली मेरा है कि बच्चे को मिलना चाहिए, डजंट मैटर गवर्नमेंट और प्राइवेट. सो दैट इज लाइक आई कीप सेइंग दैट यू नो द पॉलिसी हैज टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक, नॉट द एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रिक, नीदर द टीचर सेंट्रिक. एनीवेज, तो उसका उसको कट डाउन वो होना है, और उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम. इन माय ओपिनियन वो क्लस्टरिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम इज आल्सो नॉट रियली गोइंग टू वर्क आउट. सो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम? द मेजर प्रॉब्लम इज द गवर्नमेंट्स हैव टू एक्नॉलेज दैट इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी. इफ यू वर्क ऑन दीज फैक्टर्स तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे इन डेज टू कम. अगर ये आप नहीं डाल सकते हैं तो नो मैटर व्हाट यू डू. अभी तक मिड डे मील भी दे रहे थे, अभी तो ब्रेकफास्ट मील भी देना है एनईपी के हिसाब से, और बहुत सारी चीजें करने हैं, बट ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल नॉट गिव यू रिजल्ट. थैंक यू डॉक्टर अमित, थैंक यू सो मच फॉर योर